ये है मेरी जॉर्डन सीरीज की पांचवी वीडियो और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी मैंने करी हिच हाइकिंग वादी रम से लेकर पेट्रा तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाना। ये मैं पहुंच गया हूँ अपने टेंट पे। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, ये पूरा कैंप सिस्टम इतना नहीं है। एक दो टेंट है पर बहुत दूर है यार, ये जगह बहुत ज्यादा दूर है। मेरे हिसाब से अगर इंडिया में इतनी दूर होती 5-6 हज़ार रुपये तो लेती। जॉर्डन थोड़ा महंगा भी है, मेरे हिसाब से 4 हज़ार ठीक है। अब खाएंगे खाना और रेस्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इंटरनेट बिजली बिजली कुछ नहीं होगी यहाँ पे। नो फोटो, ओके ओके। ये अगला दिन है भाई, कल का एक्सपीरियंस मैं भी थोड़ी देर में बाहर निकल के बताता हूँ, पर अभी मैं आपको अपना कैंप दिखाता हूँ। और ये मतलब बार बार ऐसे कहते हैं कि जब भी कोई लेडीज़ आसपास है तो वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ और मेरा कैंप कैसा है भाई। बहुत एक्सपीरियंस बातें बताऊँगा। यहाँ पे कोई और सोया था, ये ऐसे कैंप है यहाँ से बंद। ये शीप मिल्क टी, ये खाने के लिए, ये बटर, ये पानी, ये पेप्सी, ये मेरा कंबल रजाई वगैरह, ये मेरे बैग रखे थे। और पीछे से ऐसा था, अभी बाहर दिखाता हूँ कैसा है। जो शीप मिल्क की टी है भाई, इसका तो अलग ही टेस्ट है। मतलब थोड़ा नमक ज़्यादा लग रहा है, मतलब मेरे हिसाब से शीप मिल्क में नमक ज़्यादा होता होगा। मैं तो पहली बार पी रहा हूँ तो मेरे को तो बहुत ही मतलब बहुत ही अलग टेस्ट है। मतलब अच्छा है, गंदा नहीं है, अच्छा है। अरेबिक लोग चाय पीते ही रहते हैं भाई, पीते ही रहते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे कितनी बार फ़ोटो डाली अरेबिक चाय की, जहाँ भी जाओ उनके घर जाओ चाय, खाना खाने के बाद चाय, सुबह उठते ही चाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो कर लो जाके। अभी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये था मेरा कैंप जो आप पीछे देख रहे हो, ठीक है। ये दूसरा कैंप है, इन्हीं के परिवार का कैंप है। ये है सनराइज़ यहाँ से होएगा। और ये कैमरे का क्या लग गया यहाँ पे यार, ठीक है। और सऊदी अरेबिया का बॉर्डर भी इसी साइड है, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हूँ मैं सऊदी अरेबिया बॉर्डर से। और ये है पूरा वादी रम का एरिया। और भाई कौन ठंडे सुबह ये हाल है, सोचो मेरा रात को क्या हाल हो रहा होगा। पूरे रात भौंका ये वाला कुत्ता, जो भी भौंक रहा है। और ये सब ये ऊँट वगैरह सब पूरी रात टैटा करी इन लोगों ने। बैठा है, मेरे को कोई परेशानी नहीं हो क्योंकि इतनी ठंड में इतनी गहरी नींद आई ना। वह चुप हो जाए यार 2 मिनट। तो अब मैं बताता हूँ आपको डिनर का, क्योंकि मैं आया तो अंधेरा हो गया था, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो डिनर का ऐसा था कि मेरे को लगा पता नहीं क्या आएगा, तो डिनर ऐसे आया, इतनी बड़ी थाली, उसके अंदर पूरा मतलब मांस कटा हुआ रखा था, बीच में कुछ पूरा पहाड़ सा बना हुआ था मांस का, साइडों में मांस था। तो मैंने कहा भाई ये कहीं बीफ वगैरह ना हो, क्योंकि मैं तो खाता नहीं बीफ वगैरह। तो जब मैं खाने लगा तो उन्होंने बताया कि ये गोट का मीट है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, गोट तो हम खा लेते हैं। तो भाई वो बिल्कुल मतलब ना मसालेदार ना कुछ ऐसा, मतलब जैसे इंडिया में मिलता वैसा नहीं था। तो मेरे को तो मतलब अजीब सा लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया। मतलब उस थाली में सारे जने आके खा गए, 8-10 जने बैठ के एक साथ उस थाली से खा रहे हैं, इतनी बड़ी थाली थी वो, सोच लो यार। इनकी तो लड़ाई होगी लग रहा है, मेरे को ही भौंक रहे हैं लग रहा है। नहीं, ये आपसरी में कर रहे हैं लड़ाई, ठीक है। फिर भाई उसके बाद मैं सोया, रात को इतनी ठंड हो गई ना, इतनी ठंड, मतलब ये मान लो पैर थोड़े से इधर उधर करो, ठंडा 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 भाई। और यहाँ से पूरा दिखता है आसमान, जिसमें तारे दिखेंगे आपको। खैर फोटो वगैरह तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई खास इक्विपमेंट है नहीं। ये मेरे को भौंक रहे हैं, अब पता चला, अपने मालिक के पास चलते वरना काट लेंगे ये। चलो भाई चलो, ये मेरे को भौंक रहे हैं। अब मैंने देखा इनकी नज़र मेरी तरफ है, आप सिर्फ मैं दोस्त नहीं है। मैं सनराइज का वेट कर रहा हूँ, फिर निकलेंगे पेट्रा। ये जा रहे हैं, किसको भौंक रहे हो भाई ये तो बताओ, उस तरफ से भौंक रहे हैं। तो ये था वादी रम। अब मैं सुबह भी आपको दिखा देता हूँ वादी रम कैसा है।
वापस जाते वक्त अभी काफ़ी लंबा रास्ता भी पड़ेगा 30-35 मिनट का। तो भाई रात को इतनी ठंड की है, जैकेट पहन के सोया हूँ मैं और ऊपर से दो कंबल एक रजाई। इतनी ठंडी हवा चल रही है अभी भी कि मेरे हाथ बार बार सुन होते जा रहे हैं। तो ये था मेरा वादी रम का एक्सपीरियंस, आप चाहो तो आ सकते हो। अब चलते हैं अंदर। और ये बार बार कह रहे हैं जहाँ भी मतलब वुमेन हो, लेडीज हो, वहाँ पे शूट मत करो। मैंने कहा ठीक है, समझ गया मैं। चलो ये थी मेरी कार जिसमें मैं आया था। अभी गर्म कर रहे हैं इसके इंजन को ऑन करके। और आपको बताऊं, ये जो डॉग्स अभी मैं बता रहा था, मैंने पूछा ये डॉग्स आपके हैं, कहते हैं हाँ हमारे हैं। मैंने कहा, फिर खुद ही बताने लगे कि ये डॉग्स हैं वुल्व्स के लिए। यहाँ पे वुल्व्स आ जाते हैं रात को और जो शीप है इनकी, इनको खा जाते हैं। तो डॉग्स हैं प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे। तो ऐसे ही फालतू फंड में नहीं लेके आए हुए। वो देखो वहाँ पे पूरा शीप का मतलब झुंड, वो क्या कहते हैं, कैद करके रख रखा है एक केज में। तो ये है यहाँ का सिस्टम, बहुत खतरनाक सिस्टम। कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वादी रम के डेजर्ट में अगर आप सुबह सुबह जाते हो। ये सुबह का कुछ 7 बजे का टाइम है। थैंक यू। अब यहाँ का ऐसा सिस्टम है, मैंने डॉलर में पेमेंट कर दी, ले ली, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, फ्राइडे आज तो बस क्या पता आए क्या पता ना आए। तो बस नहीं आई तो ऑप्शन है टैक्सी का। इन्होंने कहा 40 JD पेट्रा तक के। मैंने कहा मना, साफ मना भाई, नहीं इतने नहीं दे रहे। और मैं अगर होगा तो मैं लिफ्ट लेके कोशिश करूँगा हाईवे तक। अगर बस 9 बजे वाली नहीं आई, 9 बजे तक आ गई ठीक है, वरना लिफ्ट लेंगे हाईवे तक। टैक्सी तो नहीं ले रहा मैं, फिर हाईवे से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा पेट्रा तक। पेट्रा पास ही है। अभी 7:40-45 ही हुए हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी कार चलती रहती हैं लोकल्स की, तो लिफ्ट ले लेंगे। बस का तो नामो निशान नहीं है अभी। ये है एरिया, थोड़ी हिचहाइक ट्राई करते हैं, अब देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। पर किस तरफ से करें, इस तरफ से, ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं करता नहीं हूँ यार हिचहाइक। अगर बस, अभी मैंने देखा है ऐसे 30 JD में भी आपको टैक्सी ले जाएगी। अगर आप 4 बंदे हो तो टैक्सी में जा सकते हो। बस का भी 8 JD है या 7 JD कुछ ऐसा है। टैक्सी वाला भी 8 JD के करीब ही पड़ेगा आपको, तो टैक्सी से जा सकते हो। और अगर अकेले हो मेरी तरह, फिर तो भाई या तो हिचहाइक करनी पड़ेगी या फिर बस का वेट करना पड़ेगा। बस नहीं आई तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं हिचहाइक की। पार्किंग है ये पीछे, तो कई सारे टूरिस्ट अपनी कार रेंट करके आए हैं, तो उनको भी हाथ दिखा सकते हो, क्या पता कोई लिफ्ट दे दे। अभी 2 को दिखाया, लिफ्ट नहीं मिली। अभी तो ट्राई करते रहना चाहिए भाई हिचहाइक में, तो मेरे को पता है कि टाइम भी काफ़ी लगता है और रिजेक्शंस भी काफ़ी मिलते हैं। तो ट्राई करता रहूँगा मैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे को लिफ्ट दी है, व्हाट्स योर नेम? कैटरीना एंड पैट्रिक। कैटरीना और पैट्रिक ने लिफ्ट दी है मेरे को मेन हाईवे तक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द लिफ्ट। थैंक यू। और ये जो कार है इसका रेंट है 105 JD फॉर 4 डेज। पर इसका इंश्योरेंस फुल नहीं है। अगर इंश्योरेंस फुल चाहते हो मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और फिर फ्यूल तो ऐसा ही है, फ्यूल यहाँ पे वो ये इंडिया वाला रेट है फ्यूल का। तो अगर आप 4-5 बंदे आ रहे हो, एंड व्हाट वाज द डॉक्यूमेंट्स दे टुक फ्रॉम यू फॉर द कार? पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस मेरा खो गया है जापान में, तो इसलिए मैंने रेंट नहीं करी, वरना क्या पता मैं भी कर ही लेता। तो अभी हाईवे तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर आगे देखते हैं क्या करना है।
king like something to do that. I'm thinking what is better for you, is because we don't want to really leave you, but I don't know what is better. Because this is king divide. Yeah. And this is. यहाँ पे थॉमस और कैटरीना डिस्कस कर रहे थे कि वो मेरे को थोड़ा आगे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, उनके रूट में मेरा रूट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। पेट्रा के लिए यहाँ से लिफ्ट लेनी पड़ेगी भाई, वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ से लिफ्ट मिलेगी। अब इन्होंने काफ़ी मतलब ये अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, थोड़ा और आगे की छोड़ने की कह रहे थे, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, यहीं पे उतार दो क्योंकि यहीं से ट्राई करेंगे डायरेक्ट पेट्रा के लिए। यहाँ तक आगे बहुत है, यहाँ से कहा कुछ ना कुछ मिल जाएगा क्योंकि वादी रम से भी लोग जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ थोड़ा आगे खड़ा हूँ, यही सोच रहा हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। आपका यात्री डॉक्टर भाई कर तो सब कुछ सकता है, पर आलसी हूँ भाई, कह के डायरेक्ट बस मिल जाए तो ठीक है भाई, चलो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे के मैं चला जाता हूँ। पर आज यहाँ पे मतलब अच्छे लोग भी हैं, और ये चेक रिपब्लिक का कपल था जिसने मेरे को हाईवे तक लिफ्ट दी। अब यहाँ से देखता हूँ यार कहाँ क्या लिफ्ट मिलती है। वैसे वो कह रहे थे कि आगे एक जंक्शन तक छोड़ देंगे, फिर मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, यहीं से डायरेक्ट मिल जाएगी लिफ्ट। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम मुड़ चुके हैं पेट्रा की तरफ और मेरे को दूसरी लिफ्ट मिल गई थी। मैं थोड़ा आगे चल के आ गया क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल पम्प था तो उसके आसपास ही मतलब लिफ्ट मिलना ज़्यादा आसान होता है। तो वहाँ पे व्हाट्स योर नेम? अब्दुल कादर। अब्दुल कादर, तो यू आर फ्रॉम मोरक्को बट लिव इन फ्रांस? यस। तो ये मोरक्को से हैं पर फ्रांस में रहते हैं। तो इन्होंने कार रोकी, मैं ऐसे खड़ा था, मैं फ़ोन में चेक कर रहा था कितना दूर है पेट्रा। तो इन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा पेट्रा जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा चलो आ जाओ, हम जा रहे हैं डेड सी। यू आर गोइंग टू डेड सी? यस इंशाल्लाह। तो इन्होंने मेरे को लिफ्ट दे दी और मतलब अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी वीडियो की, बात ही चल रही थी। ये वर्ल्ड टूर पे हैं और क्या बता, इंडिया, यू आर गोइंग टू विजिट टू इंडिया सून? यस, नेक्स्ट ईयर वी गोइंग टू विजिट टू इंडिया। बेस्ट ऑफ लक, इफ यू कम टू दिल्ली यू कैन लाइक कॉल मी इंशाल्लाह। यस ऑफ कोर्स। तो अभी पेट्रा जाने में लग जाएगा शायद एक घंटा। तो ये है नज़ारा यहाँ से। यू रेंट दिस कार इन जॉर्डन? यस। ओके, हाउ मच यू पे फॉर दिस कार? आई थिंक 200 दिनार। ओके, फॉर वन वीक? नो, फॉर 10 डे। ओके, तो 200 दिनार 10 दिनों के लिए, तो मतलब मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आप पूरा ग्रुप आ रहा है तो रेंट कर सकते हो कार। ये बर्फ है सारी। ओह, स्नो इन द डेजर्ट। स्नो इन द डेजर्ट। इस हाईवे को कहते हैं किंग्स हाईवे। ये डेजर्ट हाईवे से ज्यादा सीनिक है और इस हाईवे पे तो मेरे को बर्फ भी देखने को मिली, डेजर्ट में बर्फ। पेट्रा पहुंच गया हूं और बिल्कुल होटल के सामने उतारा है। तो चलते हैं अपने होटल पे। मतलब पूरा
पेट्रा हाईवे से उतर के मेरे को होटल के सामने उतार के जा रहे हैं। ये रहा मेरा होटल, शाहबाज होटल, मैंने बुक नहीं किया अभी तक, देखते हैं क्या रेट कहते हैं, वरना उन्हीं की वाईफाई से बुक कर देंगे। मेरा तो ये होता है हमेशा। चलो चलते हैं हॉस्टल की तरफ, फिर आज ही पेट्रा के लिए निकल जाएंगे। यार ऐसे भी लोग मिलते हैं, ये मोरक्को से थे ये। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करे बिना मत जाना, और अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी पेट्रा की मशहूर सिटी।